प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रभु ने आज हमको एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। जब सारी दुनिया के लोग संडे शाम का समय बस किसी न किसी काम को करने में वेस्ट कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर समय बर्बाद किए बिना इस तरह की एक आत्मिक सभा में बैठकर ईश्वर के नाम की स्तुति करना, भजन गाना और प्रभु के वचन से प्रभु हमको जो बताना चाहते हैं उसको सुनना, ये हम लोगों ने चुन लिया है, चूज किया है आज शाम को। और इस कारण प्रभु आप सबको अपना अनुग्रह दें, ये मेरी प्रार्थना है। हर संडे शाम को हम लोग जब इस तरह से एकत्रित होते हैं तो पवित्र बाइबल से प्रभु के वचन वचन के अलग अलग हिस्सों का ध्यान करते हैं। ये प्रभु का वचन है जो प्रभु ने लगभग 1500 साल में लिखवा कर हम सबको दिया है। इसमें सृष्टि का वर्णन है, इसमें मनुष्य जाति का इतिहास है और सबसे बड़ी बात यह है कि संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की जीवनी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु जिनको कुछ लोग यीशु उत्तर भारत में ईसा बोलते हैं, एक ही व्यक्ति के नाम के अलग अलग उच्चारण हैं। प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले हिंदुस्तान से पश्चिम में, आजकल जिस देश को इज़राइल कहा जाता है, उस देश में उन्होंने जन्म लिया था। जन्म लेने के 30 साल के बाद प्रभु सेवा कार्य के लिए निकल पड़े। वे इस संसार में एक खास लक्ष्य के साथ आए थे, उनके पधारने का एक विशेष उद्देश्य था और वो उद्देश्य ये था कि प्रत्येक मनुष्य को ये बात याद दिलाएं कि देखो, ईश्वर ने संसार की सृष्टि इसलिए की है कि हर व्यक्ति को ईश्वर के अनुग्रह से भरपूर कर दे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि ईश्वर के अनुग्रह को हम सही रास्ते से प्राप्त करें। मैं 2 बच्चों का पिता हूं। दोनों बच्चे जब अपने माँ की पेट में थे तब से ही हम उन दोनों बच्चों के लिए हर दिन प्रार्थना दुआ करते थे कि प्रभु इस बच्चे को स्वास्थ्य देना, इस बच्चे को बुद्धि देना। और जब वो बच्चे पैदा हुए तो माँ शब्द का उच्चारण जब उन्होंने करना शुरू किया तब से हम उनको प्रतिदिन अलग अलग शब्द सिखाने की कोशिश करते थे। और धीरे 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 जब वो 3 साल के हो गए तो हमने लाइन में खड़े होकर फॉर्म लेके भर के इंटरव्यू दिया, सैकड़ों और माँ बाप के साथ इंटरव्यू दिया जिससे कि एक अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो सके। अब मान लीजिए कि हम अपने बच्चों के लिए यह सब करते हैं और बच्चा कहे कि नहीं, मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बाप की जिद के कारण यदि स्कूल चला जाए तो मान लीजिए वो कहे कि नहीं, मैं तो क्लास में ध्यान नहीं दूंगा। माँ बाप की जिद के कारण मान लीजिए वो ध्यान देने लगा, घर आके कहे नहीं, मैं तो होमवर्क नहीं करूंगा, परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करूंगा, पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक है उसको खोल के नहीं देखूंगा, पेंसिल कलम हाथ में नहीं लूंगा, कॉपी पे लिखूंगा नहीं, तो हम जानते हैं कि उस बच्चे का क्या होगा। हर बच्चे के लिए ये जरूरी है कि उसके माँ बाप उसके सामने जो रास्ता खोल देते हैं
एक अच्छे स्कूल में एडमिशन के द्वारा रास्ता खोलकर उसको कॉपी पिता किताब पेंसिल कपड़े लत्ते और रोज टिफिन के साथ उसको स्कूल भेजते हैं, तो माँ बाप उससे ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करेगा। ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है हमारे स्वर्गीय पिता। प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि करके मनुष्य को इस संसार में भेजा, तो जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर चीज का इंतजाम करते हैं, उसी तरह से प्रभु ने हमारे लिए हर चीज का इंतजाम किया है। और इंतजाम करने के बाद प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो बच्चा माँ बाप उससे जो उम्मीद करते हैं उसी के अनुसार नियमित रूप से कार्य करेगा, उसी तरह से प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु के बच्चे इस संसार में उनको जो करना है वो करेंगे। लेकिन कई बार प्रभु हमसे जो उम्मीद करते हैं उसके अनुसार हम नहीं करते हैं। इसका एक उदाहरण प्रभु यीशु ने दिया था। प्रभु यीशु जब भी शिष्यों को शिक्षा देते थे तो कहानियाँ या उदाहरण बताया करते थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस उदाहरण मैं आज मरकुस नाम की पुस्तक के चौथे अध्याय से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मरकुस के चौथे अध्याय के 13वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, आपके पास जो बाइबल है उसमें आखिरी जो पोर्शन है उसमें पेज 56 पर है। खोलने खालने में हो सकता है समय लगे, फिर भी पेज 56 उसको खोल लें। तो उसमें अपन नीचे की तरफ जब जाएंगे तो 13वें पद में अब मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनते रहें। 13वें पद में वर्स 13, प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? और फिर प्रभु का दृष्टांत आता है, 3 पद से चालू करते हैं, 3रे पद से। सुनो, एक बीज वाला बोने के लिए निकला। ये एक ऐसी बात है जो हम सब जानते हैं। यहाँ शायद एक या दो लोगों के अलावा बाकी सब लोगों का जीवन गांवों में ही बीता है, और गांव में एक साल में कम से कम 2 बार बीज बोए जाते हैं, कई जगह 2 से ज़्यादा बार भी बोए जाते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी प्रभु ने सुनाई जो हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। अपन सब जानते हैं कि बीज कैसा बोया जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोते हैं। मेरा जो इलाका है चंबल, वहां पर तो बीज खेत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद थैले में बीज लेकर किसान जाता है, थैले में हाथ डालता है, थैले में से बीज निकालता है और यों फेंकता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर से थैले में से बीज निकालता है, यों फेंकता है। इस तरह से खेत के एक किनारे से लेकर खेत के आखिरी किनारे तक वो बीज बोता है। बोने वाला इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि एक एक बीज लेकर एक एक गड्ढे में नहीं डाला जा सकता, गेहूं इस तरह से बोया नहीं जा सकता है। वो इस बात को भी जानता है कि यदि वो 10,000 बीज बोता है तो उसमें से 10,000 नहीं उगेंगे, कुछ वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ गलत जगह पर पड़ेगा, कुछ सही जगह पर पड़ेगा और वो उग जाएगा। यही बात प्रभु यहां बता रहे हैं। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पक्षियों ने आकर उनको चुग लिया, मतलब मिट्टी में गिरने के बदले खेत के किनारे से जब वो जा रहा था तो उसने बीज फेंके और बोते हुए बीजों में से कुछ खेत के बाहर जो सड़क थी उस सड़क पर गिरे, और चिड़िया तो इस इंतजार में है कि आज हमको खाने को कुछ मिले, उन्होंने फौरन उसको
चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, वहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आए। जब बीज सही गहराई में बोया जाता है तो उसको उगने के लिए कुछ टाइम लगता है, लेकिन कई बार बीज सही गहराई में ना हो जल्दी उगाता है। पथरीली भूमि में नेचुरली मिट्टी कम है, गहराई इसलिए कम होगी और इसलिए बीजों के ऊपर मिट्टी कम होगी, बीज जल्दी उग आए, लेकिन नीचे तो पत्थर है, वो नीचे कैसे जाएगा? और इसलिए क्या हुआ, सूर्य निकला तो जल गया, जड़ नहीं है जल गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, हम खुद इस बात को जानते हैं कि खेत जहाँ भी होते हैं तो खेतों में कई बार सारे पेड़ या सारी झाड़ियाँ तोड़ी नहीं जाती हैं, झाड़ियों का भी अपना पर्पस होता है। कई बार इवन खेत को डिवाइड करने के लिए उसके बीच में झाड़ियाँ लगाई जाती है। तो जब किसान इस तरह से बीज बोता है तो कुछ झाड़ियों में भी गिर जाते हैं। अच्छा, झाड़ियों में गिरे तो क्या होगा, झाड़ियों ने उसको दबा दिया, फल न लाया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। इस उदाहरण को हम सब लोग समझते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद प्रभु ने जवाब दिया कि जिसके कान हो वो सुन ले। अरे, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके कान नहीं हो? समाज में 2-4 बहरे लोग होते हैं, वो कान से नहीं सुन पाते हैं, उसके अलावा तो बाकी सारे लोग कान से सुन लेते हैं। और जब सब कान से सुनते हैं तो फिर प्रभु जबरदस्ती अपनी तरफ से क्यों कह रहे हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले? इस कहानी में या प्रभु ने जो उपमा बताई है इसमें कई अर्थ छुपे हुए हैं और वो अर्थ हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिसके कान हो वो सुन ले का मतलब यह है कि भैया, सुन तो सब रहे हो लेकिन तुम में से कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, और ध्यान नहीं दे रहे तो कान का होना ना होना बराबर बात है। क्यों? सुनने के बाद भी यदि तुम नहीं सुन रहे, तुम ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर कान से क्या फायदा? जो आंख के होते हुए इधर उधर देखे बिना जाता है और हर जगह टकराता और गिरता चला जाता है, उसके आंख से क्या फायदा? उससे तो अंधा बेहतर है जो कम से कम छड़ी से टटोल कर देख लेता है कि सामने कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जिससे मैं टकरा जाऊं। यह है प्रभु के कहने का मतलब। और प्रभु मुझसे और आपसे ये बात कह रहे हैं कि देखो बेटा, देखो मेरी बेटी, तुमको जो चाहिए वो सब मैंने दिया है, आंख दिया है, कान दिए हैं, बुद्धि दी है, वस्त्र दिए हैं, एजुकेशन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन सबके होते हुए भी यदि तुम उसका फायदा नहीं उठाओगे तो होने का क्या फायदा? ये आज पहला प्रश्न मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो कि प्रभु यीशु ने कहा उसी में से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु ही कह रहे हैं कि देखो मेरे बेटे, तुम्हारे पास फल लाने के लिए सब कुछ है, मेरी शिक्षा सुनकर उसे अच्छी तरह से समझने और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए सब कुछ है। इसके बावजूद यदि मेरी बातें तुम नहीं सुन रहे तो क्या फायदा है? आज शाम को यह पहला प्रश्न मुझे और आपको अपने आप से पूछना है कि प्रभु ने हमको इस दुनिया में 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70 या एकाध व्यक्ति को 70 से, यहाँ जो बैठे उसमें से एकाध व्यक्ति को 70 से ज़्यादा साल जीवन के लिए दिया है, जीवन लायक बुद्धि भी दी है, अकल दिया है, नौकरी दी है, लेकिन ये सब प्रभु से प्राप्त करने के बाद प्रभु की शिक्षाओं को सुनकर उसके अनुसार चल के हम अपने जीवन को सफल कर रहे हैं क्या?
सफल कर सके हैं क्या? यह पहला प्रश्न आज शाम को मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। यदि आज प्रभु कहते हैं बेटे इधर आओ, मेरी बेटी इधर आओ, मैंने तुमको ये सब दिया है, तुमने क्या किया, मेरा और आपका क्या जवाब होगा? जरा दो मिनट के लिए सोचें, मेरा और आपका क्या जवाब होगा? और वो प्रश्न जो प्रभु मुझसे पूछेंगे, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक दिन सबसे पूछा जाएगा। हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मतलब जो भी इस संसार में आया है, एक बार आ गया है तो उसको जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सदा सर्वदा इस संसार में जीवित रह सका है। और तीन प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, राजा जिसके पास सब कुछ है, रंग कंगाल जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है उसको भी जाना पड़ेगा, राजे महाराजाओं को भी जाना पड़ेगा, मतलब जिसके पास सब कुछ है उसको भी जाना पड़ेगा, रंग जो कंगाल और अभागा है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी जाना पड़ेगा, और जो फकीर है, फकीर मतलब सब कुछ होते हुए भी उसने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन त्याग देने से उसकी उम्र बढ़ जाएगी क्या, वो सदा सर्वदा के लिए जीवित रह सकेगा क्या? नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और इस बात को सारी दुनिया के लोग जानते हैं, और इसलिए सारी दुनिया के लोगों को बाइबल का एक कथन सुन लेना चाहिए, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय ईश्वर ने स्वयं नियुक्त किया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से इस बात को जानता है कि जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, और बाइबल ये याद दिलाती है कि ईश्वर ने ये नियुक्त किया है कि जाना ना केवल जाना पड़ेगा बल्कि उसके बाद प्रभु के सामने खड़े होकर न्याय का सामना करना पड़ेगा जब प्रभु हमारा हिसाब लेंगे। एक बात बताइए, साल भर क्लास में जब अध्यापक पढ़ा रहा था तब खूब जम के लापरवाही की, पाठ्य पुस्तक को मुड़ के नहीं देखा, क्लास में सबसे पीछे जाकर क्लास के जो शरारती और ना पढ़ने वाले बच्चे थे उनके साथ बैठकर बातचीत में समय बिताया। स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो दूसरे बच्चों के साथ बैठ के ये खेल वो खेल ऐसा खेल कभी नहीं पढ़े। एग्जाम आया, क्वेश्चन पेपर हाथ में लिया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहां लिखा है कि 10 में से कोई 5, कोई भी 5 प्रश्न सॉल्व करो। 10 में से 5 किया, यहां तो एक प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है। जो अकलमंद है उसको तो सारे 10ों के जवाब मालूम है, और वो क्या करता है कि ऐसे 5 प्रश्न चुनता है जिसका उत्तर वो अच्छी तरह से दे सकता है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की, क्लास में जब मास्टर साहब पढ़ा रहे थे तो जिसने ध्यान ही नहीं दिया, जो क्लास में पीछे बैठकर शरारत कर रहा था और घर जाके बिस्तर बस्ता जो है उसको एक कोने में फेंक के बाकी सारा काम गिल्ली डंडा खेलने में और अंटे खेलने में और ताश खेलने में जिसने बिताया, वो तो 10ों प्रश्न को देखेगा तो सारे प्रश्न उसके लिए बराबर है, क्योंकि किसी भी प्रश्न का जवाब उसे नहीं मालूम, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, वो क्या करेगा? बस वो एक काम कर सकता है, हे प्रभु इस बार मेरी मदद कर दीजिए, मास्टर जब मेरी कॉपी जांच रहे हो तो मास्टर को अंधा बना देना जिससे कि वो 10 में से 10 नंबर दे दे, अगले साल से मैं बहुत मेहनत से प्रार्थना करूंगा। ऐसी प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं क्या? अरे वक्त वक्त पे ये मास्टर को अंधा करना है, माँ बाप को अंधा करना है, तो ईश्वर ने आंखें क्यों बनाई?
ईश्वर जब हमको जिम्मेदारी देते हैं तो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारी के अनुसार हम कार्य करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब चाहे राजा हो, कंगाल हो, फकीर हो, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा। और उस समय हम ईश्वर से ये तो प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरे साथ जिन्होंने बहुत कुछ किया है उनको आप जो कुछ दे रहे हैं मुझे भी दे देना, ऐसा थोड़ी होता है। जो करेगा मनुष्य, जो करेगा वही तो भरेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि देखो, तुम वो मिट्टी हो जिसमें बीज बोया गया था। प्रभु ने आगे इसकी व्याख्या की है, वो बीज जिसको यहां प्रभु ने बोला था ना कि किसान जो है बीज बोने निकला, वो बीज क्या है? प्रभु का वचन है। और जब हम इस तरह की सभा में बैठकर प्रभु का वचन सुनते हैं तो जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुना रहा है वो प्रभु के लिए बीज बो रहा है। लेकिन इस तरह की सभा में ये संदेश जो लोग सुनते हैं सबके जीवन में एक जैसा असर होता है क्या? नहीं। सबके जीवन में एक जैसा अनुग्रह आता है क्या? नहीं। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग तो ध्यान लगाकर भक्ति के साथ ईश्वर से मिले हुए हर शब्द को ध्यान के साथ सुन के, ध्यान के साथ ग्रहण करके, ध्यान के साथ उसको मानकर, ध्यान के साथ चलने की कोशिश करते हैं। उसके एकदम विपरीत कुछ हैं। अरे क्या संदेश, कैसा संदेश! लास्ट संडे भी सुना था, उसके पहले संडे भी सुना था, कैसा संदेश! रिजल्ट क्या है? प्रभु का वचन बोया जा रहा है लेकिन उसमें से एक शब्द भी उसके मन में नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जब प्रभु का वचन सुनने के लिए आते हैं तो मन को पूरी तरह से शांत रख के, तैयार करके, तैयारी के साथ प्रभु का वचन सुनने के बदले यहाँ बैठकर बाहर की जो चिंताएं हैं, जो टेंशन है, बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो टेंशन के साथ प्रभु का वचन सुनो तो थोड़ा कहीं पड़ेगा, थोड़ा और कहीं पड़ेगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यही प्रभु ने कहा था कि कुछ बीज सड़क के किनारे गिरा, मिट्टी नहीं थी, मतलब आ गए यहां तक लेकिन बिना तैयारी के आए, ध्यान देने के लिए नहीं, दोस्तों के साथ बैठना है इसके लिए आए। इसलिए प्रभु के वचन को ग्रहण करने वाली अच्छी मिट्टी के बदले सड़क, जो पथरीली सड़क है, उसके समान हम बैठे हुए हैं। वचन गिरा, खत्म, फिनिश्ड। कुछ ऐसे हैं जो आधे अधूरे मन के साथ बैठे हुए हैं, वचन गिरा, हाँ, उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, वाह वाह वाह, आज तो प्रभु के दास ने कैसी बात बताई है, लेकिन ध्यान से सुन नहीं रहे, सुना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ, लेकिन उनके जीवन में कुछ असर हुआ क्या? नहीं, क्योंकि पथरीली भूमि में पौधा होगा लेकिन जैसे ही धूप पड़ी वो सूख गया, बिना तैयारी के आए थे इसलिए कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोग जैसा मैंने बताया टेंशन के साथ बैठे हुए थे, वचन सुना भी, नहीं सुना भी, टेंशन के कारण सब खत्म। एक छोटे से पोर्शन ऐसे लोगों का है जो पूर्ण तैयारी के साथ इस तरह की सभा में आते हैं, वो पहले से अपने आप को तैयार करते हैं, वो इस बात के बारे में सोच लेते हैं, देखो हफ्ते के 7 दिन हमारे साथ है, इसमें से 6 दिन कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और इन 6 दिनों में ध्यान से,
शांति के साथ बैठकर प्रभु का वचन सुनने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है। आज एक ऐसा दिन है जब हम सभा में जाएंगे, बैठेंगे और पहले हमारे मन को ध्यान आकर्षित करने के लिए, मन को तैयार करने के लिए हम भजन गाएंगे। और जब वो भजन गाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से गाया जाता है तो हमारा मन धीरे 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 प्रभु की भक्ति से भरता चला जाता है और हम अपने आप को तैयार करते हैं। और जब हम इस तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे तब प्रभु के वचन से हमको जो वाणी सुनाई जाएगी, जो संदेश सुनाया जाएगा, वो हमारे मनों में काम करेगा। इस तरह से तैयारी के साथ जो व्यक्ति आता है, प्रभु के कहने का मतलब है कि वो उस मिट्टी के समान है जो एकदम तैयार था। बीज जब बोया गया तो उस मिट्टी ने उस बीज को ग्रहण किया, सही गहराई तक ग्रहण किया और वो बीज उस मिट्टी में उगा, जड़ें गहरी चली गई, पानी को एब्जॉर्ब किया और एक बीज जहां पर बोया गया था वो जो पौधा बन जाता है तो उसमें 60 दाने, 100 दाने, सैकड़ों दाने उस एक बीज में लगते हैं, उस एक बीज के कारण उस पौधे में लगते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठता है यह उसका उदाहरण है। आज मेरा दूसरा प्रश्न यह है, पहला प्रश्न यह था कि हम यहां आ गए, क्या हम प्रभु की पहला प्रश्न यह था कि प्रभु ने हम यहां आ गए हैं, प्रभु ने हमको हमारे जीवन में 10, 20, 30, 40, 50 या 60 साल यदि दिए हैं तो इन सालों का उपयोग हमने सही रीति से किया है क्या? क्या हम कह सकेंगे कि प्रभु आपने मुझे जो समय दिया था उसका उपयोग मैंने सही किया है? कह सकेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कह सकेंगे तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लें। आज ये जो वचन आपको सुनाया गया है इसको आपने ध्यान से सुना क्या? सुनने के बाद आपने अपने जीवन में कोई निर्णय लिया क्या, कोई डिसीशन लिया क्या कि हाँ मैंने पिछले 10, 20, 30 या 40 साल वेस्ट किया लेकिन आज प्रभु के वचन से मैंने सुना कि वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, मुझे अपने जीवन का सही उपयोग करना है, इसलिए आज प्रभु आपके वचन से जो बीज मेरे मन में पड़ा उस बीज के द्वारा मैं इस बात को समझ गया हूं कि मेरे जीवन में आंख, कान, बुद्धि, वस्त्र, एजुकेशन और जो कुछ आपने दिया है वो इसलिए दिया है कि मैं आपके लिए जीवन बिताऊं, मैं आपके लिए अपने जीवन में फल लाऊं और प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके लिए अपने जीवन में फल ला सकूं। यह है मेरा दूसरा प्रश्न। पहला यह था कि प्रभु ने आपको जो दिया है उसका रिजल्ट क्या है, हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा यह है कि बाय चांस यदि आज तक आपने अपने जीवन का उपयोग सही रीति से नहीं किया है तो आज प्रभु के वचन से आपने जो सुना है उस वो जो सुना है उसके आधार पर आपका निर्णय क्या है। एक तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु अपना वचन जो मेरे और आपके जीवन के अनुग्रह के लिए इस तरह से परोसते हैं उस वचन को प्राप्त करने के लिए हमने अपने दिलों को तैयार किया है क्या, तैयार किया है क्या? इस प्रश्न से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है प्रभु इस दुनिया में इसलिए पधारे थे कि मुझे और आपको एक नया जीवन दे सके। प्रभु ने कोई धर्म वर्म चालू करने के लिए इस दुनिया में जन्म नहीं लिया था, प्रभु ने जन्म लिया था एक नया जीवन देने के लिए। वो नया जीवन आपने पाया है क्या? सी प्रभु के द्वारा दिए गए बीज का असर हमारे ऊपर तब होगा जब प्रभु के द्वारा दिए गए नए जीवन को हम प्राप्त करें।
ये नया जीवन क्या है। जैसा मैं इसके पहले कई बार याद दिला चुका हूँ, आज फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। आज से हजारों साल पहले प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को सब कुछ दिया, उससे कहा कि एक अच्छा पवित्र जीवन बिताओ। लेकिन पहला मौका जब उसको मिला, उस पहले मौके पर ही मनुष्य ने पवित्र जीवन बिताने के बदले ईश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और इस तरह से ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मनुष्य पापी बन गया। और मनुष्य चूंकि पापी बन गए, इस कारण हजारों साल से जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है वो एक पाप स्वभाव के कारण, पाप स्वभाव के साथ जन्म लेता है। मैं अक्सर पूछा करता हूं यह प्रश्न, बच्चों को झूठ बोलना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, बिना सिखाए वो झूठ बोलते हैं। चोरी करना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, बिना सिखाए वो लोग चोरी करते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि ये गलत है, इसीलिए तो छुपा छुपा के करते हैं। गलत है मानते हुए, जानते हुए भी क्यों करते हैं? इसलिए कि पाप स्वभाव के साथ उन्होंने जन्म लिया है। इस पाप स्वभाव से हमको कौन मुक्ति दे सकता है? इस पाप की सजा क्या है? प्रभु का वचन ये याद दिलाता है, जो आया है वो जाएगा, और जब वो चला जाएगा प्रभु के सामने, जब वो खड़ा होगा तब प्रभु उससे पूछेंगे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमको पाप से मुक्ति देके, पाप से क्षमा देके, एक नया जीवन देने के लिए मैंने एक रास्ता तैयार किया था। वो रास्ता कम से कम 10 बार तुमको बताया है। कुछ लोगों से प्रभु कहेंगे, मैंने 100 बार मेरे दासों ने तुमको बताया, तुमने उसको सुना क्या? हाँ प्रभु, मैंने सुना, किया क्या? जब ये दूसरा प्रश्न आता है तब हम में से बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि एक कान से सुन के दूसरे कान से हम उसको निकाल देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। प्रभु आपको पाप से क्षमा देकर आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। इस नए जीवन को पाया क्या आपने? नहीं पाया तो आज उसको प्राप्त करके यहां से जाएं। मैं जब एक बालक था तब मैंने अपने फादर से यह प्रश्न पूछा, डैडी, मैं नया जीवन पाना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? डैडी ने पूरी तरह से मुझे समझाया कि नया जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है। वहीं पे घुटने टेक कर मैंने प्रभु यीशु से पाप की क्षमा मांगी और प्रभु से कहा, विनती की कि प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु ने मुझे पापों की क्षमा दी, एक नया जीवन दिया। इस जीवन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि पहली बार या दूसरी बार आप ये बात सुन रहे हों, इसलिए एकदम से ये बात समझ में ना आए। कोई बात नहीं है, आपको ये बात समझाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। ब्रदर जेफरी बहुत ही उत्साही जवान हैं और आपको डिटेल में समझाएंगे। उनके इधर ब्रदर क्रिस्टी जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही साफ सुंदर हिंदी में बड़े आराम से आपको ये बातें समझाएंगे। इन लोगों ने दूसरों को ये बातें बताने समझाने के लिए अपना जीवन अर्पित किया है, इसलिए वो लोग यहाँ आए हैं आज शाम को। तो इनसे ये बातें पूछकर, नया जीवन क्या है इसको समझ के, नव जीवन प्राप्त करने के बाद ही यहाँ से जाएं। ओके, तो 3 बातें हो गई जो आज शाम को मैंने आपको बताई। 1, नव जीवन पाया क्या? नया जीवन पाया क्या? नहीं पाया तो आज ही उसको प्राप्त करें। 2, जीवन के इतने साल प्रभु के लिए आपने कुछ किया क्या? किया तो और करें, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? 3, हम किस तरह की जमीन है, जो बीज हमारे ऊपर पड़ रहा है, जो उस जमीन में गिर रहा है, क्या उसको हम वेस्ट होने दे रहे हैं? क्या उसको झाड़ियों में दब जाने दे रहे हैं?
क्या बिना जड़ के सूख जाने दे रहे हैं, या तैयार दिलों के साथ अच्छी जमीन के समान प्रभु से उस बीज को प्राप्त करके 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला रहे हैं क्या? इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु ने इस तरह से जो अवसर दिया, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस सभा में आते रहें, क्योंकि ये हम सबको आत्मिक जीवन में बहुत अधिक अनुग्रह प्रदान करेगा। प्रभु आप सबकी मदद करें। जय मसीह की।